चलिए करते हैं एक वॉइस टेस्ट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अंकुश भार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अंकुश भार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अंकुश भारद्वाज। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये माइक आइसोलेशन शील्ड। मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी ज्यादा कमेंट्स आते थे कि यार हमें एक साउंड प्रूफ बूथ बनाना है अपनी सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग के लिए, वॉइस ओवर्स करने के लिए, तो उसका बजट कितना आएगा एक्यूरेटली। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी साउंड प्रूफ बूथ की, जिसका साइज था 6 फीट और उसका बजट था अराउंड 11,000 रुपीज। बट आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये माइक आइसोलेशन शील्ड, जिसका बजट है सिर्फ 200 रुपए। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप माइक आइसोलेशन शील्ड घर बैठे कैसे बना सकते हो, वो भी 200 रुपए में। बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दोस्तों, आपको इसको बनाने के लिए चाहिए होगी कुछ अकॉस्टिक फॉर्म्स। ऐसी अकॉस्टिक फॉर्म्स आप ले सकते हो, पिरामिड, ये टर्बो भी ले सकते हो। आपको अमेजन पर 50 से 70 रुपए की एक पीस मिल जाएगा। देन आपको चाहिए होंगे कुछ कार्डबोर्ड्स, ऐसे अमेजन से अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है, वेस्ट पड़े हुए आपके पास कार्डबोर्ड्स, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो इस आइसोलेशन शील्ड को बनाने के लिए। देन आपको चाहिए होगी कुछ ये डबल साइडेड टेप ऐसी, और फिर चाहिए होगा आपको एक ये कटर आप देख सकते हो, और कुछ सेलो टेप भी चाहिए होगी। और ये जो इजी स्प्रे है, ये स्पेसिफिकली आप जैसा देख सकते हो साउंड प्रूफिंग एंड अकॉस्टिक पैनल्स को पेस्ट करने के लिए फेविकॉल ने बनाया है। आप इसे अकॉस्टिक फॉर्म को वॉल पर पेस्ट कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए होगा मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इन कार्डबोर्ड्स की कटिंग, इन्हें करते हैं हम पहले साइड में। पूरा 1x1 का है, आप जैसा देख सकते हो, ये भी 1x1 का हमने काट लिया है। तो एक और पीस हमें ऐसा काटना है, तो चलिए कार्डबोर्ड ढूंढते हैं उसके साइज़ को काटने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास 1, 2 एंड 3 तीनों पीस हमारे पास रेडी है, जो कि 1x1 साइज़ के हैं, एकॉस्टिक फॉर्म पर बिल्कुल 0x0 बैठ रहे हैं। तो इन कार्डबोर्ड को हमें एक के साथ एक तीनों को पेस्ट करना है। मैं आपको पेस्ट करके आगे दिखाऊंगा। ये वाला पीस बिल्कुल अलग कर देंगे, काटना बहुत पसंद है मुझे यार इसको ऐसा लगता है केक काट रहा हूँ। अगर देखिए यहाँ पे लगाऊंगा, और अगर ये पीस यहाँ पे लगाऊंगा तो इजीली ये फोल्ड हो रहा है, राइट। तो इधर का भी एक हम पीस काट देते हैं, ये एकॉस्टिक फॉर्म पिरामिड वाले का। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा पेस्ट कर देंगे, इसमें कौन सा कुछ बड़ी बात है। वाह, मज़ा आता है यार इसको काटने में। आगे देखते हैं कि ये हमने जो कटिंग करी है बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है कि नहीं। आई थिंक पहले से कुछ ज़्यादा बेटर है। पीछे की देखो पूरी 0-0 कटिंग है, राइट।
इसे रिमूव करेंगे, इसे हमने लगाना है यहाँ पर राइट। से बात नहीं बन रही है तो हम कुछ ऐसे एल शेप का कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, इसे एल पत्ती कहा जाता है, आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हो। दो दो हम यूज़ करेंगे, दो इस साइड करेंगे। आप जैसे देख सकते हो ये होती है एल पत्ती, किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएगी, 10-10 रुपये का एक पीस मिल जाएगा अराउंड। फाइन, अब देखने में तो ये अच्छा नहीं लग रहा कुछ, इस पर हम कवर करते हैं। चलिए ढूंढता हूँ मैं कुछ, अगर मेरे पास मिल जाए तो। मुझे कुछ वेलवेट का पेपर मिला है, दैट आई थिंक गुड टू गो, इसे पीछे लगा देते हैं तो दिखने में थोड़ा तो ठीक लगेगा। चलिए इसे पेस्ट करते हैं। तो ऐसे अपने वॉल पर दो कीले लगानी है, एक यहाँ और एक इतने से डिफरेंस में, इतने से डिस्टेंस में अपने एक और कील लगानी है। डन। तो जैसा आप देख सकते हो हमने दो किले यहाँ पर लगा दिया इतने से डिस्टेंस पर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आपको चाहिए होंगी ऐसी दो क्लिप्स जिससे आप कपड़े टांगते हो, आप जैसा देख सकते हो ऐसी दो क्लिप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और साथ में चाहिए होगी ऐसी एक दो स्टिक। ये मैं प्लास्टिक की स्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास लोहे की स्टिक्स है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ये ऐसी अवेलेबल है। मैंने हैंगर से जो जिससे आप कपड़े टांगते हो ये प्लास्टिक के हैंगर से कट करिए, अगर आपके पास अवेलेबल है आप ये यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसे पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगी ये ऐसी फेविक्विक से पेस्ट करनी पड़ेगी। चलिए मैं दिखाता हूँ, इतने से डिस्टेंस में आप इसे पेस्ट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ पेस्ट करके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसे फिक्स कर दिया है फेविक्विक लगाकर। आप चाहो तो जैसा मैंने बताया लोहे की भी एक वायर ले सकते हो, या फिर जैसा मैंने यूज़ किया है प्लास्टिक एक हैंगर का, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारा आइसोलेशन शील्ड है एकॉस्टिक फोम की, उसमें इसे लगाएंगे, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये है हमारी आइसोलेशन शील्ड, जैसे हमने पीछे थोड़ा सा गैप छोड़ा था वहाँ पर आपको ऐसे इसे माउंट करना है, ऐसे इसको हमने फिक्स किया। अब सिंपली इसको यहाँ पर जहाँ हमने कीलें लगाई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर दो कीलें लगाई थी इतने से गैप में, सिंपली हैंग कर देना आपको। क्या बात है, आप देखिए आप अपनी जो हाइट है उसके हिसाब से कीलें यहाँ पर लगा सकते हो। मैंने जितनी मेरी हाइट है उसके हिसाब से लगाया। यहाँ पर हम अपना माइक्रोफोन प्लेस करेंगे। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से कर सकते हो। और ये एक और इसकी खासियत है कि ये पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी बाहर भी लेके जा सकते हो, किसी और रूम में लगाना वहाँ पे भी लगा सकते हो। जस्ट आपको ये दो किले लगानी होगी, या फिर आप कहीं ट्रैवल करके भी इसे साथ में लेके जा सकते हो, अगर आपने कहीं होम स्टूडियो में किसी और होम स्टूडियो में अपनी वॉइस ओवर करनी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एक साउंड टेस्ट करके, अपने माइक को यहाँ पे प्लेस करेंगे, और इसके अलावा अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी वॉइस की क्वालिटी कैसे आएगी माइक्रोफोन में। चलिए करते हैं एक वॉइस टेस्ट। सबसे पहले करेंगे हम माइक्रोफोन को यहाँ पर प्लेस। मेक श्योर कि आपका जो माइक्रोफोन हो वो ज़्यादा नज़दीक भी ना हो और ज़्यादा इसके बाहर भी ना हो, हम इसके थोड़ा अंदर कर देते हैं इसको। तो दोस्तों अब हमने कर दिया अपना माइक्रोफोन यहाँ पर प्लेस, अब टेस्ट करेंगे अपनी वॉइस क्वालिटी की, आइसोलेशन शील्ड लगाने के बाद हमें कैसी वॉइस क्वालिटी मिल रही है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अंकुश भारद्वाज, और अभी हम टेस्ट कर रहे हैं अपनी वॉइस क्वालिटी यूजिंग दिस आइसोलेशन शील्ड। तो आपने अभी सुनी ये जो वॉइस क्वालिटी है इस शील्ड को लगाने के साथ, अब हम इसे करेंगे रिमूव, अब करेंगे दोबारा से एक साउंड क्वालिटी चेक।
वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अंकुश भारद्वाज और अभी हम वॉइस क्वालिटी चेक कर रहे हैं विदाउट यूजिंग आइसोलेशन माइक शील्ड। तो आपने अभी सुनी वॉइस क्वालिटी विद आइसोलेशन शील्ड एंड विदाउट आइसोलेशन शील्ड। आप बताना मुझे वॉइस क्वालिटी में आपको कुछ फर्क लगा या नहीं लगा, कॉमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। कीप वॉचिंग एम्पसिमो, पीस आउट।